नमस्कार, फिल्मी बीट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। भाईजान की भारत में मिलेगा भाभी तेरा देवर दीवाना का फ्लेवर, लेकिन कैटरीना कैफ के ट्विस्ट के साथ। अब आप सोच रहे होंगे भला आखिर ये माजरा है क्या। दरअसल साल 1994 में रिलीज हुई सलमान खान और माधुरी दीक्षित की हम आपके है कौन में फिल्माया गया दीदी तेरा देवर दीवाना सालों बाद भी लोगों की जुबान से नहीं उतरा है। जब भी घर में कोई फंक्शन होता है तब सलमान और माधुरी का ये गाना जरूर चलाया जाता है। दीदी तेरा देवर दीवाना में भाईजान और डांसिंग क्वीन की केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि लोग आज भी इनके कायल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म भारत में एक बार फिर से आपको दीदी तेरा देवर दीवाना वाला फ्लेवर चखाने वाले हैं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर मुंबई मिरर की ताज़ा रिपोर्ट की माने तो फिल्म भारत में अली अब्बास जफर ने दीदी तेरा देवर दीवाना जैसा एक फैमिली सॉन्ग रखा है जिसमें सलमान खान और कैटरीना कैफ की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। हालांकि सलमान खान और कैटरीना कैफ के आने वाले इस गाने में एक जबरदस्त गाने में एक ट्विस्ट होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे दीदी तेरा देवर दीवाना में सलमान खान ने माधुरी दीक्षित की टांग खींची थी, वैसे ही भारत के नए गाने में कैटरीना भाईजान की टांग खींचती दिखाई देंगी। सूत्र के अनुसार हिंदी फिल्मों में अक्सर देखा जाता है कि हीरो ही हीरोइन की टांग खींचता है, लेकिन अली अब्बास जफर ने अपनी फिल्म के गाने में नयापन देने के लिए नया फैसला लिया है। इसमें कैटरीना कैफ सलमान खान की खिंचाई करती दिखेंगी। आपको बता दें कि ये गाना पूरी तरह से कैटरीना कैफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। फिल्म भारत के नए गाने को लेकर सामने आई ये जानकारी काफी दिलचस्प है। कैटरीना कैफ और सलमान खान की केमिस्ट्री का आज के समय में कोई भी तोड़ नहीं है। उस पर अगर ऐसा गाना ये दोनों लेकर आएंगे तो दर्शकों की तो चांदी हो जाएगी। आप फिल्म भारत के इस गाने को लेकर कितना एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।